जय श्री कृष्णा हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी गार्डनिंग अच्छे से कर होंगे अब तो विंटर सीजन की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं मैं भी सारे सीड्स ले आई हूँ फ़र्टिलाइज़र अब लिक्विड फर्टिलाइज़र का ही उपयोग होगा तो मैं तो जीवामृत देती हूँ अपने प्लांट्स को तो जीवामृत कैसे बनाते हैं वो मैंने अभी दो चार दिन पहले ही वीडियो डाला है या पिछले हफ्ते ही वो वीडियो डाला है उसमें मैंने ये वाला क्या क्या चीज़ें डाली थी यही जीवामृत है जो आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर तो फ्रेंड्स उसका जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि जीवामृत यानी कि ये फर्टिलाइज़र कैसे बनाए अब इसको देना कैसे है प्लांट्स को वो मैं बताऊंगी उस दिन मैं बता नहीं पाई क्योंकि आ, तीन चार दिन बाद ये जो है फ़र्टिलाइज़र रेडी होता है या एक हफ़्ते में अब ठंड में तो एक हफ्ते में रेडी होगा या पाँच दिन में भी रेडी हो जाता है अगर आपने टेरेस पर रखा है तो लेकिन अगर आपने ग्राउंड फ्लोर पर शेड में रखा है तो एक हफ्ता लगता है और ज़्यादा ठंड होती है ना दिसंबर जनवरी की तब तो इसको एक हफ्ता आठ दिन दस दिन भी लग जाते हैं तैयार होने में तो हम डायरेक्ट मिक्स करके नहीं दे पाते और इसमें क्या क्या मिलाया है वो सारा उस वीडियो में लिखा हुआ है तो फ्रेंड्स अब इसको मुझे देना कैसे है तो देने से पहले मैं इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पूरा देखिएगा बिना स्किप किए और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन और पर प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुँच पाए और मेरे वीडियो सबसे पहले देख पाए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स प्लाज एंड किचन गार्डन वहाँ पर भी मैं अपने वीडियोज़ और फोटोज़ गार्डन से रिलेटेड डालती रहती हूँ तो यहाँ पर जो आप मेरे मेरा जो ग्लास देख रहे हैं वो ग्लास में चार ग्लास एक छोटी सी ये शायद पांच लीटर की बाल्टी है या दस लीटर की दस की तो नहीं है ये पाँच की होनी चाहिए मैं इस पर देखती हूँ अगर मुझे दिख गया तो तो आप छोटी बाल्टी जानते होंगे ना जो पेंट की बाल्टी आती है उसमें मैंने चार जो है वो लिया है ये फर्टिलाइजर जो मैंने बनाया है जीवामृत मैं इसे कहूंगी तो जीवामृत लिया है और इसमें मैंने पूरी बाल्टी फिर सादा पानी मिक्स कर लिया है और अब जो ये बड़ा सा ग्रो एक दिख रहे हैं आप मैं इसमें पूरा बाल्टी पानी डाल दूंगी लेकिन उसकी भी एक कंडीशन है आ, किस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है एक बार और बता देती हूँ पहले तो आपको फर्टिलाइज़र को अच्छे से मिक्स करना है डंडे से चलाना है और उसके बाद इस तरीके से उपयोग करना है चारों तरफ फैला दीजिए पॉट में आ, ये तो बहुत बड़ा ग्रो बैग है जिसमें मैंने बेल वाली सब्जियां लगाई हुई हैं और देखिए सब्जियां में खाद डालने से पहले इस तरीके से पहले आप मिट्टी चेक करें एक दिन पहले आपने इसमें पानी दिया हुआ होना चाहिए एकदम ड्राई इसकी नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी सब्जियां जो लग रही हैं, वो भी खराब हो जाएंगी प्लस पत्ते बर्न हो जाएंगे तो डायरेक्ट आप सूखी मिट्टी में ये खाद मत दीजिए वैसे जीवामृत है ये आप सूखी मिट्टी में भी दे सकते हैं लेकिन फिर भी सावधानी रखिए थोड़ा आप उसमें पानी एक दिन पहले अच्छा सा पानी दे दीजिए और यहाँ पर अब मैं वापस से चार ग्लास दूसरे में डालने के लिए ले रही हूँ दूसरे पॉट में अभी मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप 12 इंच का गमला है आपका 8 इंच का गमला है 10 इंच का गमला है तो कितना देना है आपको तो बाल्टी में कितना मिक्स करना है वो तो मैं बता चुकी हूँ आपको कि पाँच लीटर में ये चार ग्लास मैंने ले लिया यानी कि वन फोर्थ ये एक जो बाल्टी है उसका वन फोर्थ लेना है बाकी सादा पानी लेना है और जो बारह इंच का गमला है उसमें दो ग्लास पानी देना है यानी कि दो गिलास फर्टिलाइज़र देना है यहाँ पर मेरा पीस लिली का प्लांट है जिसमें अब फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है तो उसमें मैं एक गिलास दूंगी क्योंकि ये आठ इंच का गमला है तो आठ इंच और दस इंच के गमले में आप पूरा एक गिलास दीजिए और बारह इंच के गमले में आप दीजिए दो गिलास और इससे छोटे वाले गमले में आधा ग्लास हैंगिंग बास्केट में आधा गिलास इस तरीके से आप अगर और भी कोई जानकारी चाहते हैं कि कौन से पॉट में कितना फर्टिलाइज़र देना है अभी आ, कौन से पौधे की सीजन्स आने वाली है विंटर सीजन के प्लांट्स हैं उनमें किस तरीके से फ़र्टिलाइज़र देना है इस तरीके के अगर आप वीडियोज़ और भी ज़्यादा आगे देखना चाहते हैं जानना चाहते हैं गार्डनिंग के बारे में फ़र्टिलाइज़र्स के बारे में आगे विंटर प्लांट्स पर क्या काम करने वाली हूँ मैं तो मेरे वे चैनल को आपको सब्सक्राइब करने पड़ेगा उसके लिए क्योंकि आगे जो मैं वीडियोस अपने गार्डन में काम करती रहती हूँ ना वो वीडियोस में बनाती रहती हूँ डालती रहती हूँ तो उसके लिए आपके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन और पर प्रेस करना पड़ेगा जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच पाएगी तो गुड़हल है गुलाब है इनमें दो दो ग्लास में क्योंकि ये बारह इंच के गमले में लगे हुए हैं और फ्रेंड्स स्प्रे से रिलेटेड भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है तो आप अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आए होगा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिए फ्लावर्स इन किचन गार्डन फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मैं फिर किसी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए बाय टेक केयर जय श्री कृष्णा